अब आपको कुश्ती के अखाड़े के बाद गंगा नदी के किनारों पर लिए चलते हैं। हमारे देश में कहावत काफी लोकप्रिय है कि गंगा नदी में सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारे पाप आखिर जाते कहां हैं? आज हम आपके इसी सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि इस समय गंगा नदी के किनारे लाशों का अंबार लगा हुआ है और कई राज्यों में गंगा नदी की धारा में लाशें बहती हुई मिली हैं। इस पर काफी बहस छिड़ी है कि ये लाशें हैं किसकी, क्या ये सभी लाशें कोरोना मरीजों की हैं, और अगर हैं तो क्या इन शवों से गंगा नदी का पानी जहरीला हो जाएगा? ये सवाल सभी के मन में है। आज आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हम गंगा नदी के किनारों से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के आए हैं, जो आपको निर्मल गंगा की एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जिसमें चिंता और डर दोनों छिपे हैं। और आज हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको समझ आएगा कि गंगा नदी में धोए गए पाप आखिर जाते कहां हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर, और इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड का गंगोत्री है। अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 11 जिले गंगा नदी से सटे हुए हैं, लगे हुए हैं, और इन जिलों में गंगा नदी के पास रिहायशी घर भी हैं। अब चुनौती यह है कि उत्तर प्रदेश के इन जिलों में आजकल गंगा किनारे बड़ी संख्या में शवों को रेत में दबाया जा रहा है, ये लाशें डूब क्षेत्र में दफनाई गई हैं। अब आपको यह भी बता देते हैं डूब क्षेत्र होता क्या है। डूब क्षेत्र वो मतलब है, वो इलाका है जो नदी का जलस्तर बढ़ने पर डूब जाता है, यानी जब कल के दिन नदी का जलस्तर बढ़ेगा ये सारी लाशें गंगा नदी में चली जाएंगी। तो क्या इन लाशों से गंगा नदी मैली नहीं होगी? ये बड़ा सवाल है। दरअसल भारत की कुल आबादी में से लगभग 40% लोग गंगा नदी का पानी पीते हैं। अगर संख्या में इस आंकड़े को बताया जाए तो यह आंकड़ा बैठता है 50 करोड़ के लगभग। हालांकि इन लोगों तक ये पानी कई चरणों में पहुंचता है और इस पानी को पीने लायक बनाया जाता है, ट्रीट किया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ल्ड वाइड फंड का कहना है कि गंगा विश्व की सबसे अधिक संकटग्रस्त नदियों में से एक है और इसमें हर साल प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। यानी पहले से प्रदूषित गंगा नदी लाशों का यह ढेर उठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब कड़वी सच्चाई ये है कि गंगा नदी में जो लाशें बहकर आ रही हैं या फिर जो लोग लाशें बहा रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये गंगा नदी है उनके सारे पाप धो देगी, वो गलत है। बहती गंगा में पाप के हाथ धोने से इसके पानी पर काफी गंभीर असर होगा। संभव है कि लाशों की वजह से इसके पानी की गुणवत्ता, क्वालिटी और स्थिति खराब हो जाए। यह स्थिति इसलिए भी और खतरनाक और डेंजरस हो सकती है क्योंकि गंगा नदी का पानी पहले से ही काफी प्रदूषित है। वर्ष 1985 में एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, फिल्म का नाम था राम तेरी गंगा मैली, और इसी फिल्म में एक गाने के बोल भी यही थे कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। ऐसा लगता है कि यह गाना मौजूदा परिस्थितियों के लिए ही लिखा गया था। आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और दूसरे जिलों में गंगा नदी की जो हालत है वो चिंताजनक है, वो भी तब जब हमारे देश में गंगा नदी को पूजा जाता है, यह हमें संकल्प देती है और इसका धारा प्रवाह पानी हमें ऊर्जा देता है। गंगा नदी का प्राचीन जो नाम है वो राजा भागीरथ के नाम पर पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भागीरथ के 60,000 पूर्वज ऋषि कपिला के शाप के कारण भस्म हो गए थे, जिनकी मुक्ति के लिए गंगा जल का होना आवश्यक था। इसलिए भागीरथ ने कड़ी तपस्या की और कड़ी तपस्या की और स्वर्ग में भगवान ब्रह्मा के कमंडल में बैठी गंगा जी को धरती पर अवतरित कर लिया, धरती पर बुला लिया। यानी गंगा हमारी आस्था से जुड़ी है, लेकिन आज गंगा की क्या स्थिति है? आज गंगा नदी दुनिया की 5वीं सबसे दूषित नदी है, 5वीं पूरी दुनिया की सबसे दूषित नदी। अन्य नदियों की तुलना में गंगा नदी में ऑक्सीजन का लेवल 25% ज्यादा है। हालांकि कहा जाता है कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया से लड़ने की विशेष शक्ति है, तभी आपने खुद देखा भी होगा इसका पानी कभी सड़ता नहीं है, इसके पानी को आप रख दीजिए सालों साल पड़ा रहता है और खराब नहीं होता। और शायद इसी बात का लाभ उठाकर कई लोग गंगा नदी में लाशों को बहा रहे हैं, लेकिन वो ये भी नहीं जानते कि गंगा नदी में लाशों को बहाने से इसकी निर्मलता खराब होगी जो पहले से ही संकट में है। हालांकि इसे रोकने के लिए अब सरकारों ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
उत्तर प्रदेश में इस पर अब सख्ती बढ़ा दी गई है और सरकार ने गंगा किनारे वाले इलाकों में पुलिस की भी तैनाती कर दी है, जबकि बिहार सरकार ने गंगा नदी में लाशों को दफनाने पर रोक लगा दी है और गरीब लोगों को अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए देने का ऐलान किया है। यानी सरकारें यह बात तो मान रही हैं कम से कम कि लोग इसलिए गंगा नदी में अपनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। क्यों नहीं है अब आपको यह भी समझाते हैं। इस समय अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाटों पर लंबी कतारें हैं और इस वजह से लकड़ियों की कीमतें बढ़ गई हैं। एक अनुमान के मुताबिक एक शव के अंतिम संस्कार में 7 से 9 मन लकड़ी की जरूरत होती है। एक मन का मतलब है 40 किलोग्राम, यानी इस हिसाब से लगभग लगाया जाए तो 300 से 350 किलोग्राम लकड़ी की जरूरत होती है। पहले शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए 10 रुपए किलोग्राम में लकड़ी मिल जाती थी। पूरा खर्चा आता था 2,500 से 3,000 रुपए, लेकिन अब यह खर्च 6 से 7,000 रुपए हो गया है क्योंकि लकड़ियों की जमाखोरी हो रही है। सरल शब्दों में कहें तो आज सस्ते में अंतिम संस्कार भी अगर किया जाए, सस्ते से सस्ता अंतिम संस्कार 7 से 8,000 रुपए में हो रहा है और कई लोगों के लिए इतने पैसे जुटाना आसान काम नहीं है। और शायद हो सकता है कि इसी वजह से लोग गंगा नदी में अपनों की लाशें बहा रहे हों, लेकिन इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं इसे आप हमारी इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं। हालांकि इस रिपोर्ट को दिखाने से पहले हम आपको यह बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया है कि कोरोना पानी के जरिए फैल सकता है, यानी गंगा नदी में लाशों के बहने से कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं है, लेकिन इससे नदी के प्रदूषित होने का खतरा बना रहेगा और यह खतरा काफी गंभीर है। आज इस पूरे विषय को समझने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए जो आपको घर बैठे गंगा नदी के दर्शन कराएगी और इससे जुड़े खतरे के बारे में जागरूक करेगी। ये पहाड़ों की गंगा है, पवित्र गंगा जल की वो निर्मल धारा जो जीवन दायिनी रही है। लेकिन आज इस जलधारा पर संकट है, इसकी निर्मलता को खतरा है। भरोसा ना हो तो प्रयागराज चलिए, ये तीर्थराज प्रयाग की गंगा है। जितना पानी नहीं उससे ज्यादा रेत के पाट हैं और रेत में दबे हैं सैकड़ों शव। गंगा की गोद में जीवन पनपता रहा है, लेकिन आज गंगा की गोद शवों से पटी पड़ी है। जहां तक नजर जाए, जहां तक कैमरा जाए, रेत में शव दबे दिखते हैं। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौजूद हूं और प्रयागराज में यह गंगा नदी का किनारा है। यहां पर चारों तरफ जहां आपकी निगाह जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ आपको लाशें दिखाई देंगी। इतनी भारी संख्या में लाशों को यहां पर दफनाया गया है जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है। इन लाशों को दफनाने का क्या कारण रहा? कुछ लोग इसे आस्था बताते हैं, कई लोगों का कहना है यह गरीबी की वजह रही क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो अपने लोगों का अंतिम संस्कार कर सकें। लेकिन कई लोग यह भी दावा करते हैं कि यहाँ की पुरानी परंपरा है। लेकिन इतनी संख्या में लाशें आ जाएंगी ऐसी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। यहाँ पर हमारे साथ स्थानीय पंडित हैं जो कि लंबे समय से यहाँ पर देख रहे हैं क्या चीज़ें होती आई हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? राम नारायण मिश्रा जी, आप बताइए इतनी संख्या में लाशें कैसे आ गई यहाँ पर, क्या हुआ, कुछ क्या कारण है? कुछ महामारी के कारण है, कुछ पहले से भी आती रही लाशें, कुछ हाँ। कम संख्या ज्यादा हो गई महामारी के कारण। दरअसल हमारे यहाँ वेदों पुराणों में 3 तरह से जल प्रवाह, गड़न और जो है अग्नि प्रवाह, 3 तरह से जो है किया जाता है क्रियाकर्म हमेशा से पूर्वजों से। राम नारायण मिश्रा बताते हैं कि रेत में शव दफनाना भी यहाँ अंत्येष्टि का एक तरीका रहा है, लेकिन इसकी तादाद क्यों बढ़ रही है?
दोनों प्रकार का है जुनाद, जिसकी जैसी शक्ति रहती है उस प्रकार से, बाकी हमारा सदियों की शक्ति का मतलब शक्ति बजट पैसा। हाँ। जिसका पैसा बजट में रहेगा जुना वो अपना इस प्रकार से जला देता है। हाँ। और जिसका बजट नहीं रहता वो अपना गणंत क्रिया कर देते हैं। हाँ। मतलब जो जिनके पास पैसे नहीं है ज्यादा तो वो दफना जाते हैं, दफना देते हैं। हाँ, उसको दफना देते हैं या प्रवाहित कर देते हैं। कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में शव रेत में दबाए जाएंगे तो उससे गंगा और गंगा जल को कितना खतरा है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज के प्रोफेसर से समझिए। डिकम्पोज होने से अगर पार्सियली, अगर सपोज जो डेड बॉडी है वो पार्सियली डिकम्पोज है। हाँ। तो पार्सियली डिकम्पोज और एनएरोबिक है, मतलब अगर ये सर ये ग्राउंड के अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो एरोबिक नहीं होते हैं, वो एनएरोबिक होते हैं। तो एनएरोबिक डिकम्पोजिशन क्या करता है, एनएरोबिक डिकम्पोजिशन में जो बायोमास हैं वो जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। वो ऑर्गेनिक एसिड्स ये पानी में जा कर के मिलेंगी, अगर ये ऑर्गेनिक और वाटर में ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा। हाँ। वाटर में ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ने से उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो कि आइडियली 3 mg/L होनी चाहिए वो डेफिनेटली फ्लक्चुएट करके ज़्यादा होगी। प्रोफेसर सुरजीत का कहना है कि शव को पूरी तरह डीकम्पोज होने में अमूमन 1 साल लगता है, वो भी मिट्टी की क्वालिटी और मौसम के तापमान पर निर्भर करता है। और अब तो 1 महीने में मानसून आएगा और शवों के बहने का खतरा है, अगर ये शव पानी में बहे तो गंगा जल के अंदर रंग, अम्लता, क्लोरीन वैल्यू, ऑक्सीजन और ईकोलाई का संतुलन सब बिगड़ने लगेगा। इसमें नाइट्रेट, फॉस्फेट, ऑर्गेनिक एसिड्स ये एक ऐसा माइक्रो इन्वायरमेंट बनाती हैं जिसमें कि एक हेटरोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ब्रस्ट हो जाता है, पॉपुलेशन ब्रस्ट हो जाता है, पानी एनॉक्सिक हो जाता है, पानी से स्मेल आने लगता है। तो ये डेफिनेटली और ये सब सारी जो पैरामीटर्स हैं पानी का के वाटर क्वालिटी का डिग्रेडेशन अपने आप में एक सीरियस कंसर्न है। इसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी ग्रो कर सकते हैं और अगर एक्सीडेंटली कोई इसे कंज्यूम करता है या पैथोजेंस अगर जाते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में तो वो एक डिजीज के कॉजेटिव एजेंट हो सकते हैं, वो डिजीज कॉज कर सकते हैं, बीमारियां बढ़ सकती हैं। आप पूरे किनारे से देखिए, बिल्कुल नदी के किनारे, ये कहीं ना कहीं नदी के लिए भी एक बड़ा खतरा है, इसके पानी के लिए भी एक बड़ा खतरा है, जो कि एक्सपर्ट हैं वो इस बात की संभावना जता रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर फिलहाल प्रशासन ने लाशों को दफनाने पर तो रोक लगा दी है और यूपी सरकार ने भी गंगा किनारे SDRF और PAC की जल पुलिस के माध्यम से निगरानी रखने के आदेश दिए हैं ताकि कोई लाशों को दफना ना सके। गंगा का पानी अगर प्रदूषित होता है तो मुसीबत सिर्फ प्रयागराज के लोगों को नहीं बल्कि असर नीचे बलिया और कोलकाता तक हो सकता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बॉटनी विभाग के प्रोफेसर ऐसी आशंका जताते हैं। इलाहाबाद में संगम है गंगा और जमुना का, यहाँ से बलिया तक और कलकत्ता तक लोग प्रभावित होंगे। जब तक लाश डिकम्पोज नहीं होगी उनकी फ्लैश और उनके जो पैथोजन से बॉडी में वो पानी में मिलते जाएंगे, पानी को प्रदूषित करेंगे और इससे ऑक्सीजन की कमी होगी, बैक्टीरियल ग्रोथ होगी डिकम्पोज करने के लिए और जो जलीय जलचर हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी। जो लाशें गंगा किनारे दफन की गई हैं वो आने वाले दिनों में कटकर गंगा नदी में आएंगी जिससे गंगा का जल दूषित हो सकता है और इससे जो लोग इस जल का सेवन करेंगे उन पर इसका असर पड़ सकता है। इसलिए ये अपील कर रहे हैं कि गंगा किनारे शवों को दफन ना किया जाए। और इसका एक समाधान जो बताया वो यही है कि जो शव दिख रहे हैं ऊपर उनको निकाल कर अंतिम संस्कार कर दिया जाए ताकि कम से कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। जानकारों का मानना है कि गंगा के पानी को प्रदूषण से बचाने के लिए फौरन गंगा किनारे शवों के दफनाने पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन क्या रेत में दबाए गए शवों की अंत्येष्टि करना अब संभव है, इसके बारे में हमने प्रयागराज के IG से बात की।
जो दफन की गई हैं बॉडीज, उनको निकालने या उनको फिर से उसका संस्कार करने की बात एक संवेदनशील विषय है, और जब तक उनके परिजन इस बात के लिए तैयार नहीं होते तब तक इस विषय में अभी कोई निर्णय लेना। लेकिन फिलहाल अभी कोई नया डेड बॉडी दफन नहीं करने, ये नई कोई बॉडीज दफन करने से हम लोगों को समझा के उनको रोक रहे हैं कि नदी के पेटे में, नदी के किनारे घाटों पे न दफन किया जाए, उनको संस्कार किया जाए यदि आ जाते हैं। हालांकि रेत में अब शव दफनाने पर रोक लग चुकी है, और पुलिस प्रशासन का दावा है कि अगर गरीबी के कारण कोई शव की अंत्येष्टि में परेशानी है तो ऐसे मामलों में प्रशासन मदद कर रहा है। विशाल पांडे, जी मीडिया, प्रयागराज। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.